हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियनंदन मिश्रा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रियन वाले शेयरिंग में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो में देखेंगे शार्पनर क्या है और उसका रिजनरेशन प्रोसेस क्या है। चलिए बिना लेट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। शार्पनर जानने से पहले थोड़ा इंटरेस्ट जान लेते हैं, शार्पनर क्यों यूज किया जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वाटर इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, उसके लिए ये सही नहीं है। हार्ड वाटर मतलब क्या है? अगर नॉर्मल वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा रहता है तो हम उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। हार्डनेस दो प्रकार का है, एक का कार्बोनेट हार्डनेस है जो कि उसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस जो कि टेम्पररी हार्डनेस, वो इजिली रिमूव हो जाता है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को निकालने के लिए हम शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं। शार्पनर को आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोला जाता है। देन जो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा डिजोल्व होकर रहता है, हम बोलेंगे वो हाईली हार्ड वाटर है। देन ये हार्डनेस जो है, हम जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये कहाँ से आता है? ये नॉर्मली जो चूना पत्थर है और कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, जो कि एटमोस्फियर से जो वाटर एटमोस्फियर से एक्सपोज होता है, वो स्पेशल ग्राउंड वाटर है, तब वो साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर आ जाता है। और हार्ड वाटर का इफेक्ट क्या है? हार्ड वाटर यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली क्या है, हार्ड वाटर अगर हम यूज करते हैं तो जो भी हम सोप या शैम्पू यूज करेंगे उसमें लादर क्रिएट नहीं होगा, मतलब फोम क्रिएट नहीं होगा, और वो ऐसा दिखा देगा कि जैसे कि साफ नहीं हुआ है। और अगर वो यूज़ करेंगे स्किन ड्राई हो जाएगा और हेयर फॉल होगा और हेयर भी ड्राई हो जाएगा, और हमारा जो भी हम अप्लायंस यूज करेंगे जैसे कि हीटर, वॉशिंग मशीन, शावर्स, डिश वॉशर्स, ये सब के ऊपर स्केलिंग फॉर्मेशन होगा और अप्लायंस का लाइफ भी कम हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका भी कलर फेड हो जाएगा। कलर फेड होने से क्या होगा, फैब्रिक का लाइफ भी घट जाएगा। देन और क्या होता है, जो भी पाइप है, जो भी वाल्व यूज करते हैं, वो पाइपलाइन और वाल्व के अंदर, फॉसेट्स के अंदर ये स्केलिंग फॉर्मेशन होगा, और ये क्या करेगा ना, जो डिटर्जेंट का पावर, क्लीनिंग पावर है, उसको भी ये कम कर लेगा। अगर कुछ खाना पका रहे हैं हार्ड वाटर में तो उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, और खाना पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगने से कुकिंग का जो गैस कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, और जो भी यूटेंसिल है उसके ऊपर भी स्केलिंग फॉर्मेशन होगा। इसीलिए अगर सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं तो हमारा जो डिटर्जेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो 70% कम हो जाता है। देन ये वाटर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे आई बटन को जाइए और उसको देखिए, तो फिर वाटर क्लासिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से पता हो जाएगा। देन वाटर शार्पनिंग प्रोसेस क्या है? शार्पनिंग क्या है, ये एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, एक रेजिन के थ्रू होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है ये सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज का इसका नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑन डिजायरेबल आयन से जैसे कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये क्या करता है, एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, सोडियम आयन के साथ, जो कि डिजायरेबल आयन है। हमको सॉफ्ट वाटर चाहिए, इसीलिए सोडियम आयन अगर पानी में रहेगा तो सॉफ्ट वाटर होगा, अगर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पानी में रहेगा तो हार्ड वाटर कहलाएगा। इसको कैसे करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, रॉ वाटर को हम शार्पनर को अंदर पास कराते हैं, वो काटन रेजिन के अंदर जाता है। काटन रेजिन जो है वो सोडियम फॉर्म में रहता है, जैसे कि हम डिनोट करते हैं RNA और Na2R, इसको काटन रेजिन बोलते हैं सोडियम फॉर्म में। तो ये जो रहता है, जैसे कि रेजिन के थ्रू होके जाएगा तो वो रेजिन के अंदर मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन रह जाएगा, और सोडियम आयन पानी के साथ आउटलेट में चला जाएगा, जो कि सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। ये जो साइकिल होता है, जो शार्पनिंग प्रोसेस होता है, इसको हम सॉर्बी साइकिल बोलते हैं। वाटर शार्पनिंग प्रोसेस चार स्टेप में होता है, जो रीजनेशन करते हैं
चार स्टेप में हम करते हैं, जैसे कि बैकवॉश, रीजनरेशन और ब्राइन इंजेक्शन, और स्लो रिंस और फास्ट रिंस। ये चार प्रोसेस है सप्लेनिंग का। ये सप्लेनिंग प्रोसेस में क्या केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे देखिए CaHCO32, मतलब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस Na2R जो रेजिन है सोडियम फॉर्म में है, ये रिएक्ट करने के बाद आउटलेट में क्या निकलेगा, RCA, मतलब ये रेजिन में कैल्शियम रह जाएगा और आउटलेट में चला जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट चला जाएगा, मतलब ये सॉफ्ट फॉर्म में है। इनलेट में अगर कैल्शियम सल्फेट आता है तो रेजिन में रिएक्शन करेगा Na2R करके, आउटलेट में क्या आएगा हमारा RCA, वो रेजिन के अंदर रह जाएगा कैल्शियम, सी ए मतलब कैल्शियम रह जाएगा, और Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है वो आउटलेट में चला जाएगा। अगर इनलेट में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, वो Na2R, रेजिन के अंदर Na2R है तो रिएक्ट करके RMg, मतलब रेजिन जो है वो Mg को पकड़ लेगा, मैग्नीशियम को पकड़ लेगा, और Na जो है NaCl होके फिर पानी में चला जाएगा। तो आउटलेट में जो जाएगा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये तीन जाएगा। तो ये सोडियम फॉर्म में है इसलिए इसको सबप्लाटर बोलेंगे। कैसे होता है एनिमेशन में देखिए, सप्लेनिंग प्रोसेस में क्या होता है। इनलेट में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट जाता है तो फिर रेजिन के अंदर फ्लो होके फिर आउटलेट में वो पानी जाता है। तो ये क्या होगा, ऐसे रिएक्ट करेगा, जो रिएक्शन में अभी बोल दिया वही रिएक्शन करेगा। तो RCA और RMg, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो रेजिन के अंदर रह जाएगा, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट, और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा आउटलेट में चला जाएगा। तो ये सब क्वार्टर हो जाएगा। देन इसका स्टेप जो मैं बोला, बैकवॉश प्रोसेस, पहला स्टेप है बैकवॉश प्रोसेस। बैकवॉश में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको देखना है तो मेरे आई बटन को जाइए और देखिए बैकवॉश एनालिसिस प्रोसेस कैसा होता है। अभी देखिए इसमें अभी बैकवॉश चल रहा है। बैकवॉश मतलब क्या होता है, नॉर्मली फिल्टर का हम नीचे से पंप के थ्रू प्रेशर में पानी को छोड़ते हैं, जो फिल्टर का ऊपर में या रेजिन का ऊपर में जो भी कंटामिनेंट्स रहेगा वो निकल के वो ड्रेन में चला जाएगा। अभी यही हुआ है यहाँ पे। देन रीजनरेशन प्रोसेस, रीजनरेशन हम कब करते हैं, हमको कब पता चलेगा कि रीजनरेशन करेंगे। देखिए जब हम रॉ वाटर पास करेंगे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा ना, धीरे धीरे करके जो भी सोडियम आयन रहेगा रेजिन के अंदर तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रॉ वाटर में कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन आ रहा है वो क्या होगा, रेजिन उसको पकड़ लेगा, और रेजिन में जो सोडियम आयन रहेगा वो धीरे धीरे करके आउटलेट में चला जाएगा। तो ऐसा टाइम आएगा कि पूरा रेजिन के अंदर जो भी सोडियम आयन है वो खत्म हो जाएगा। तो कब पता चलेगा, लैब टेस्ट जब करेंगे इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर, तब हम पता चलेगा कि हार्डनेस क्या है इनलेट में और आउटलेट में। अगर हार्डनेस इनलेट और आउटलेट में सेम है, इसका मतलब रेजिन में जो भी सोडियम आयन है वो खत्म हो गया है उसमें। अगर उसके बाद भी हम अगर सपनर को चालू रखते हैं तो क्या होगा, जो भी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन आ रहा है इनलेट में वो आउटलेट में सेम चला जाएगा। तो क्या होगा, फिर पानी में हमारा जो हार्डनेस बढ़ेगा। तो अगर इस कंडीशन आता है तभी हम क्या करते हैं, उसको रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन मतलब रिचार्ज ऑफ हमारा रेजिन, रेजिन को रिचार्ज करना है सोडियम आयन से, फिर से रिचार्ज करना है। वो सोडियम आयन कहाँ से लाएंगे, नॉर्मल जो सॉल्ट है NaCl उसको हम पानी में मिला के एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, वो ब्राइन सैचुरेशन टैंक में बनाएंगे, फिर सपनर को भेजेंगे, उसको बोलेंगे हम रीजनरेशन प्रोसेस। ओरिजिनल जो हमारा रेजिन है वो रेजिन को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम जो सॉल्ट सॉल्यूशन को छोड़ते हैं सपनर में, उसको बोलेंगे रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस कर देता है। कैसे होता है देखिए, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है रीजनरेशन प्रोसेस में। RCA और RMg ये दोनों ऑलरेडी रेजिन में है, तो ये अगर NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो RCA प्लस NaCl, तो आउटलेट में क्या आएगा, RNA, मतलब रेजिन के अंदर Na रह जाएगा और आउटलेट में CaCl मतलब कैल्शियम क्लोराइड आउटलेट में चला जाएगा। ऐसे ही RMg अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा NaCl, तो RNA मतलब सोडियम आयन रह जाएगा रेजिन के अंदर, और MgCl2 होके आउटलेट में चला जाएगा। तो जो CaCl2 और MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब ये पानी के अंदर पूरा घुल जाता है। तो ये क्या होगा ना, पानी के साथ साथ ये ड्रेन में चला जाएगा। ये क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सॉल्ट है, नॉर्मली ये पानी में पूरा मिल जाता है।
तो ये देखिए एनिमेशन में देखिए आपको पता हो जाएगा कैसे होता है रिजनरेशन प्रोसेस। ये जो स्लो रिंस इनलेट वाल्व है उसके थ्रू जाएगा, फिर वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, तो ब्राइन सैचुरेशन टैंक से जितना भी इनिशियल सोल्यूशन है उसको सक करेगा। सक करके वो रेजिन के अंदर लाएगा, रेजिन के अंदर से हमारा आरएनए रह जाएगा और आउटलेट में सी एस एल्ड एमजी सील्ड जो कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आउटलेट में होकर ड्रेन में चला जाएगा। मेन आउटलेट नहीं, ड्रेन में चला जाएगा, जो हमारा रिंज आउटलेट वाल्व होकर जाएगा। स्टेप थ्री क्या था? रिंज प्रोसेस, स्लो रिंज प्रोसेस। तो स्लो रिंज प्रोसेस में क्या है, सेम हमारा जो रिजन प्रोसेस था सेम ही रहेगा, सिर्फ जो हमारा ब्राइन सैचुरेशन का टैंक के पास जो वाल्व है वही बंद रहेगा। देखिए एनिमेशन में पानी स्लो रिंज इनलेट वाल्व से जाएगा, फिर हमारा रेजिन को जाएगा सपनर के अंदर, रेजिन होते हुए आउटलेट में जाएगा, आउटलेट मतलब मेन आउटलेट नहीं, रिंज आउटलेट वाल्व के होते हुए हमारा ड्रेन में चला जाएगा। ये होता है स्लो रिंज। फिर आपका आएगा फास्ट रिंज। फास्ट रिंज में क्या होता है, हमारा सेम प्रोसेस है, एक ये जैसा नॉर्मल जैसा होगा। देखिए हमारा मेन इनलेट वाल्व के होते हुए सपनर के अंदर जाएगा, रेजिन के अंदर जाएगा, फिर हमारा रिंज आउटलेट वाल्व होते हुए हमारा बैकवाश जो रिंज वाटर आउटलेट है ड्रेन में चला जाएगा। ये होता है फास्ट रिंज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रीजनरेशन कैसे होता है, क्यों करते हैं, सपनर क्या है और सपनर क्यों इस्तेमाल होता है, हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर का इफेक्ट क्या है। तो आज का वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।